3BHK का विला है ओमैक्स का, उसका सैंपल ये वीडियो रहेगा। जो ये विला है, विला के सामने एक पार्क आती है काफ़ी बड़ी सी, जिसमें ओपन जिम और बच्चों के खेलने के लिए स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी और डेकोरेटिव पार्क है। 9 मीटर की सामने रोड है, उसके बाद ये विला है। विला की एंट्री पे ही यहाँ पे एक कार पार्किंग की जगह है, ये आप देख सकते हैं। किसी भी साइज़ का व्हीकल हो वो आपका पार्क हो जाएगा। एक छोटा सा ग्रीन एरिया है जो कि आपका एकदम बाहर है, गार्डन एरिया एंट्रेंस पे ही पड़ जाता है लिविंग एरिया के सामने। ये लिविंग है बाहर से और ये मेन एंट्रेंस है। ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जैसे ही आप विला में एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी स्पेस आपका अवेलेबल है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सामने काफ़ी स्पेशियस एल शेप्ड आपका किचन है, किचन के साथ में डिश वॉशर के लिए एडिशनल एरिया दिया हुआ है जो कि काफ़ी जगहों पे नहीं होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपका यूटिलिटी एरिया, बैकयार्ड का ये भी ठीक ठाक एरिया है जहाँ पे आप एक गार्डन काइंड ऑफ छोटा ले सकते हैं। और ये सामने इतना बड़ा स्पेशियस आपका लिविंग एरिया है। ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है हमारा। फर्स्ट बेडरूम जो है अटैच वॉशरूम के साथ आता है, यहाँ पे क्लोजेट भी बनी हुई है दोनों साइडेड। आपकी ये क्लोजेट है इस तरफ और एक इस तरफ, तो काफ़ी स्पेस आपको क्लोजेट के लिए मिल जाता है। देन ये आपका वॉशरूम है। सही, एक विंडो है जो कि आपके बैकयार्ड की तरफ की आती है। और अभी हम यहाँ फर्स्ट रूम से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। डाइमेंशंस इसमें अलग अलग हैं विलास के, कोई 1746 लैंड एरिया में बना है, कोई अलग साइजेस का बना है, तो वो एज़ पर आपकी क्वेरी और कैसी रिक्वायरमेंट है वो हम उस पर आपको बता सकते हैं। अब ये फर्स्ट फ्लोर पर हम आ गए। फर्स्ट फ्लोर पर आपकी बालकनी का एरिया है, ये बहुत इतनी तो नहीं, ये आपका बालकनी है, स्पेशियस है, यहाँ पे भी आप सिट आउट रख सकते हैं अपना। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू रहने वाला है। अब ये आपका सेकेंड रूम है, ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम हो गया, ये सेकेंड रूम है। और रूम के साइजेस भी आपके अच्छे हैं, अगेन यहाँ पे भी आपका जो वॉकिंग क्लोजेट है काफ़ी स्पेशियस है। और ये आपका वॉशरूम, सीलिंग हाइट तक टाइल दी हुई है, जैसे और भी फ्लैट्स वगैरह में कभी आपने देखा हो तो सेम वैसे ही। ये भी आपकी विंडो है, ग्लास विंडो प्रॉपर। ये हमारे 2 बेडरूम्स हो गए। ये आपका फैमिली लॉन्च के लिए एक एरिया अलग से है, ये कोई बेडरूम नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज करके कर भी सकते हैं। तो ये एक पूरा ओपन एरिया है जो कि आप कह सकते हैं इसको फैमिली लॉन्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नीचे जैसे बेडरूम के दिया हुआ था, आपकी क्लोजेट्स हैं दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट, और साथ में यहाँ पे एक वॉशरूम है। अब ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है, जो हमारा लास्ट बेडरूम है, और साथ में ही यहाँ पे भी एक वॉक-इन क्लोजेट है और ये वॉशरूम है। वॉशरूम वैसा है जो हमने से पहले देखा था दूसरे बेडरूम का। अब हम चलते हैं आपको टेरेस पे, क्या रहने वाला है टेरेस पे। ये काफ़ी ब्यूटीफाई करती है। एक ये सर्वेंट रूम, स्टडी रूम, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, एक रूम ये भी आपको मिल जाता है। ये आप कहें तो ये फोर्थ बेडरूम भी मान सकते हैं, ये आप उन्हें सर्वेंट को दे सकते हैं, वैसे ये फोर्थ बेडरूम है। फोर्थ बेडरूम के साथ में ये मल्टी बनी हुई है यहाँ पे, और ये टेरेस का एरिया है।
टेरेस से कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है क्योंकि आपके सामने सारे विलास बनेंगे, और तो यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। और ये मुमटी है, और एक वॉशरूम यहाँ पे भी दिया हुआ है। सपोज अभी कभी आपको ज़रूरत है, आप ऊपर हैं तो आप एक वॉशरूम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम हैं सेकेंड फ्लोर पे, और प्रॉपर यहाँ पे एक ऐसे यूटिलिटी टाइप एरिया है जो कि पूरी आपकी विला को कंप्लीट करता है।